देखिए, सबसे पहला वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो किसको लेकर के बात करेंगे, एस टी कॉलरिज और एस टी कॉलरिज एज अ पोएट। कॉलरिज को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एस टी कॉलरिज एज अ पोएट एक जनरल बात है, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि एस टी कॉलरिज का क्रिटिसिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, या क्या उनसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, एक एक पॉइंट को उससे उस पर हम नोट करा दे रहे हैं, जस्ट नोट इट, और उसके बाद अगर कोई चीज एक्सप्लेन करना होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट थिंग जस्ट हियर शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड यू विल कम टू नो कि एस टी कॉलरिज। RIDG, ST कॉलरिज, अ सुपर नेचुरल पोएट, अ सुपर नेचुरल पोएट नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, बॉर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1834। ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं एक हल्का सा ऐसे ही बता दे रहा हूं। 34, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें और जो है चीजें ध्यान में रखना है। ही क्वाइंड द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये एक फेमस उनका पॉइंट है। इसके अलावा यू फाइंड द फोर्थ इज फैंसी एंड इमेजिनेशन। एक पॉइंट उन्होंने ही मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। फॉर फैंसी ही यूज्ड द फ्रेज फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, FIXITIES, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, DEFINITIES, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज फैंसी के लिए। फॉर इमेजिनेशन ही यूज्ड द फ्रेज डिसॉल्व डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उनका, अभी मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, बट यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट जो मेन मेन चीजें रहे हैं। एक उनका और वर्ड था पैंटिस को रेसी, को रेसी, पैंटिस्को रेसी, व्हाट डज इट रिफर? इट रिफर्स टू अ ग्रीक वर्ड, अ ग्रीक वर्ड, अ ग्रीक वर्ड
विच रिफर्स इक्वल गवर्नमेंट बाई ऑल, विच रिफर्स EQUAL, इक्वल गवर्नमेंट बाई ऑल। नाउ द सेकेंड थिंग कि दीज आर द थिंग्स जो वहां पे, जैसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इट्स अ फ्रेज कॉइन्ड बाय हिम, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, फॉर फैंसी ही यूज द फ्रेज फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज एंड फॉर इमेजिनेशन ही यूज द फ्रेज इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। उसके अलावा जो है एक और उनका उससे रिलेटेड था पेंटिसोक्रेसी, अ ग्रीक वर्ड विच रिफर्स इक्वल गवर्नमेंट बाई ऑल या फॉर ऑल, यह एक यूटोपियन स्कीम जैसा था उस पे रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही वाज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर, ही वाज अ मैन ऑफ ओपियम, ओ पी आई यू एम, ओपियम ईटर, ई ए टी ई आर, वो एक ओपियम ईटर, ही वाज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर, वो ओपियम का सेवन करते थे, ही वाज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर। He also gave the concept of transcendentalism. The concept of transcendentalism. 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 This particular transcendentalism, you will come to know, it refers to what? Absolute truth. Next point which you have to go, his works. When you talk about his works, you find एक तो उनका work था Ancient Mariner, and the second Christabel. Third, Kubla Khan. Fourth, Frost at Midnight. Frost at midnight. Next है ode to dejection, fourth के बाद fifth, ode to dejection. Sixth, The Knight's Tomb. The Knight's Tomb. उनका एक ड्रामा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक ड्रामा या ट्रेजिडी जो रहा, रिमोर्स, रिमोर्स,
इसके अलावा जो है उनका प्रोज में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, वॉचमैन हिज प्रोज प्रोज में उनका एक जर्नल उन्होंने निकाला था, पीरियोडिकल था, जिसका नाम था वॉचमैन, द वॉचमैन। द वॉचमैन वो मॉर्निंग पोस्ट से भी जुड़े हुए थे, दूसरा द मॉर्निंग पोस्ट। तीसरा द फ्रेंड, यू विल कम टू नो, वो तीन जर्नल से जुड़े हुए थे, द वॉचमैन, द मॉर्निंग पोस्ट, द फ्रेंड एंड द फोर्थ बायोग्राफिया लिटरेरिया, उनका वर्क बायोग्राफिया इट केम इन 1817। इट्स द व्हाट इट इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ दिस मैन एंड इन दिस वर्क ही टेल्स अबाउट व्हाट फैंसी एंड इमेजिनेशन, उसको लेके बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इट केम इन 1817। नेक्स्ट फिफ्थ पे लेक्चर्स ऑफ कॉलरिज एंड शेक्सपियर, और शेक्सपियर लेक्चर्स ऑफ कॉलरिज एंड शेक्सपियर। So these things you find, and now I would like to go with each and every point को पहली स्लाइड से कवर करेंगे। You find that कि we are taking what we are taking एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज, और जो एसटी कॉलरिज है कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सदे। जो एसटी कॉलरिज है इनको लेक पोएट्स में भी रखा जाता है, लेक पोएट्स में तीन लोग आते हैं, ये सब बहुत पहले भी बताया जा चुका, बार बार वही चीजें वो जरूरी नहीं है कि ही फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लेक पोएट्स। लेक जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे तीन पोएट्स रहते थे जिनमें से यह तीन पोएट्स का एसोसिएट उससे रिलेशन था, एक तो वर्ड्सवर्थ, दूसरा रॉबर्ट सादे और तीसरा एसटी कॉलरिज। और इन तीनों लोगों को यू कम टू नो कि दे आर ऑल्सो नोन एज ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, जो ओल्ड जनरेशन है रोमांटिक पोएट्स का उनको उसके भी नाम से जाना जाता, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि एसटी कॉलरिज, लेक पोएट्स, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड बोसम फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, लिव्ड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, और पहला उनका जो करियर भी शुरू होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही होता है। वी नो इट वेरी वेल कि लिरिकल बैलाड आता है, और लिरिकल बैलाड में उन्होंने क्या किया हुआ था कि वर्ड्सवर्थ के साथ चार पोयम लिखा हुआ था, तो फर्स्ट वॉल्यूम जब आया था तो उसमें कितनी पोयम्स थे, 23 पोयम्स थी। सो यू फाइंड 23 पोयम्स, यू फाइंड लिरिकल बैलाड, यू फाइंड कि ही हैज रिटन दीज थिंग्स। लेकिन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है, जो एक इम्पोर्टेंट आपका निकल करके आता है कि इसके अलावा और क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनमें से
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज, ही स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। उनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री नई था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। ये एक चीज इम्पोर्टेंट है। ही वॉज अ सुपर नेचुरल पोएट, मीन्स दैट इन हिज पोएम ही टुक सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि यू डोंट फाइंड इन डेली लाइफ। दे वर द सुपर नेचुरल कैरेक्टर, बट सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हैव बीन ट्रीटेड आर प्रेजेंटेड इन दिस वे एज दे सीम। ऐसा लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ आर कॉमन लाइफ का, हमारे हिस्सा है, वे उसका है, इस तरह की चीजें। तो वी फाइंड व्हाट वी फाइंड दिस पर्टिकुलर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज बॉर्न इन 1772, डाइड इन 1834। इट मीन्स दैट की रोमांटिक एज का वेल नोन पोएट थे, एंड रोमांटिक एज फ्रॉम 1798 टू 1837, तो इस कैटेगरी में वो उसमें आते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि ही गेव द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ही गेव द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट, दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हियर आई वॉन्ट टू टेल यू कि वट डू यू मीन बाई दिस विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसका अपना क्या मतलब है। उसका एक चीज है कि जब आपका सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री होगा या सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होंगे, तो समटाइम्स इट सीम्स दैट कि वी आर नॉट इन पोजिशन टू बिलीव दैट कि दे आर द पार्ट ऑफ आर लाइफ, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी इन विच वी लिव। वी डोंट फाइंड दिस थिंग, बट यू विल कम टू नो कि जब यह फ्रेज आता है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो सस्पेंशन, विल का मतलब डिजायर, सस्पेंशन यू हैव टू सस्पेंड, यू हैव टू पोस्टपोन फॉर सम टाइम डिसबिलीफ का, कि मींस सम टाइम थिंग्स आर प्रेजेंटेड आर सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन दिस वे कि यू स्टार्ट टू बिलीव दैट दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू लिव विद देम, यू एंजॉय देम, यू ट्रीट देम एज मींस एज सच अ टाइप ऑफ क्रिएचर whom you meet in daily life, or ultimately you think that without these characters you can't survive at all. So when you go with these things, yeah, when you take these points, then it means that you are going to believe. And what is that belief? That is the believing in disbelieving. Try to understand my phrase. Believing in disbelieving. एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आता है जहां पे आप डिसबिलीव करने वाली चीजों में भी विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो थियरी है, वो जो साइकोलॉजी है, उस पार्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इट अल्टीमेटली रिफर्स टू दैट, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कि आई आई स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू स्टार्ट टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग। कोई ऐसी चीज जिसमें विश्वास ना किया जाए, फिर भी आदमी उसमें विश्वास करने लगे और उसको मानना शुरू कर दे, तो वह पार्टिकुलर चीज क्या कहलाता है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। एंड हियर यू फाइंड कि यह किसके माध्यम से संभव है, इट्स ओनली पॉसिबल कि वट टाइप ऑफ लिटरेरी टूल द पोएट यूज। यू कम टू नो कि द पोएट हैज इमेजिनेटिव पावर एंड द पोएट इज कैपेबल टू मेक कॉमन अनकॉमन नेचुरल सुपर नेचुरल एंड आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो इन दिस कंडीशन वी कम टू नो कि वो कैसे उस पार्टिकुलर चीज को बनाते हैं या कैसे उसको देखते हैं। सो यू फाइंड वॉट यू फाइंड दिस इज दिस पार्टिकुलर थिंग इज नोन विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। Sometimes you come to know कि the particular reality, harsh reality, as you find in Victorian era, that particular reality you don't believe. You go in the magical world. As you read what, as you read the Tempest. In the Tempest there is the Ariel. In the Tempest there are the Sycorax. In the Tempest there is the witch, and you believe in ghosts. You believe in witches when you read हेमलेट और मैकबेथ। इफ यू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर एंड इवन यू नो इन 21st सेंचुरी द स्टिल द पोएट स्टिल बिलीव
दैट वी हैव इवन द पीपल इन इंडिया दे ऑल बिलीव इन दीज थिंग्स. सो व्हेन यू गो समटाइम्स देन इट इज नोन व्हाट की विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी चीज में विश्वास करना जो विश्वास करने लायक ना हो, या स्टेट ऑफ माइंड ऐसा डेवलप हो जाए कि यू स्टार्ट टू बिलीव या दीज थिंग्स आकर, दीज थिंग्स एग्जिस्ट, दीज थिंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. Now you find what? Now you find the next point, and that point is what? That point is fancy and imagination. Here I want to say one thing. ये चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि fancy जो है वह एक तरह से क्या है, वह आपका जो जो आपका subconscious situation होता है. कोई भी चीज जो हम देखते हैं वह तीन लेवल से गुजरती है, conscious, subconscious और unconscious. जो रियलिटी है वह कॉन्शस है, जो फैंसी है वह सब कॉन्शस है, और जो इमेजिनेशन है वह अनकॉन्शस है. तो फैंसी और इमेजिनेशन को पहले लोग एक ही मान लेते थे, बट कॉलरिज ने उनके बीच में डिफरेंस बताया. और कॉलरिज ने कहा, क्या कहा, कि फॉर फैंसी ही यूज फ्रेज फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, कि जो फैंसी है वह फिक्स है और डेफिनेट है. फैंसी में कोई तब्दीली नहीं होती है, फैंसी में कोई तब्दीली नहीं होती. फैंसी अपने में क्या है, फिक्स है और डेफिनेट है. एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि फैंसी में किसी तरह का क्रिएटिविटी नहीं होता. तो ये दो वर्ड आपको समझना है कि अगर कभी भी, मुझे लगता है शायद इस बार आया था या नहीं, लेकिन कई बार ये पूछा जा चुका है कि कॉलरिज ने फैंसी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, तो दैट इज फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज. अब सवाल उठता है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया है डिजॉल्व. इमेजिनेशन से चीजें क्रिएट होती है. जो इमेजिनेशन होता है वह प्रीनेटल, पहले से किसी भी चीज को अगर नए स्वरूप में ढालेगा तो पहले उसके अस्तित्व को खत्म करता है, उसको डिजॉल्व करता है. डिजॉल्व माने मिक्सअप. फिर क्या करता है, डिफ्यूज करता है. डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज जो है वह पोजिशन होती है जिसमें पहले की स्थिति को उसका उसका प्री एग्जिस्टेंस एकदम से क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा. डिजॉल्व का मतलब तो मिक्सर, मिक्सअप. डिफ्यूज का मतलब प्री नेटल एग्जिस्टेंस को एकदम से डिफ्यूज कर देना, खत्म कर देना. एंड डिसिपेट, देन इट इज एग्जामिन एंड प्रिपेयर्ड इन अ न्यू वे. इट गेट्स अ न्यू डिजाइन, अ न्यू स्ट्रक्चर. एक उसका नया रूप, नया आकार, नया वो होता है. दैट इज व्हाट, दैट इज द डिसिपेटिंग. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पेंटिसो क्रेसी. वी फाइंड कि ये चीज रहा है, ये ऐसा नहीं कि इनका डायरेक्ट एक वर्ड है, लेकिन पेंटिसो क्रेसी कोरेसी वी फाइंड वेर, वी फाइंड इन द वर्क्स ऑफ दिस मैन. एंड यू फाइंड कि यह एक ग्रीक वर्ड है, और यह जो ग्रीक वर्ड है किसको रिफर करता है, इक्वल गवर्नमेंट बाई ऑल. यहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोई चीज बुरा नहीं है, पेंटिसोक्रेसी. इनडायरेक्ट वे में उसी को यूटोपिया लैटिन वर्ड होता है, बट दिस पेंटिसोक्रेसी यू फाइंड की रहा है. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इनके वर्क में या इनके पोयम में देखने को मिलती है. ही वॉज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर. बहुत सिंपल था कि जब तक वो ओपियम वगैरह नहीं ले लेते थे, नहीं खा लेते थे, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे नहीं जा पाते थे. और उनके पोयम की जो क्रिएटिविटी है, चाहे राइम ऑफ द एसेंट मैरिनर हो, चाहे क्रिस्टेबल हो, वो आफ्टर टेकिंग ओपियम ही वॉज एबल टू राइट दिस थिंग, वो लिख पाते थे. ही आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. ऐसा नहीं कि इन्हीं का कॉन्सेप्ट रहा है. ट्रांसेंडेंटलिज्म एक ऐसा ट्रूथ है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके आगे का कोई सत्य होता ही नहीं है. उसके आगे सत्य का मतलब कि अगर हम गॉड की बात करें, अगर हम जो है हीवन की बात करें, हेल की बात करें, तो यह एक ऐसा सत्य है, वो देखिए वो रियलिटी नहीं, वो सत्य है. रियलिटी और सत्य में अंतर होता है. जो जो रियलिटी है कि ये वास्तविकता है, आज के समय में ये चीज है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी जो हमें अपनी ओपन आई से दिखाई पड़ रही है, इससे हम समझ रहे हैं कि इसकी जरूरत है, ये चीजें हैं,
ये चीजें तो हो सकती है, लेकिन ट्रूथ ऐसा होता है जो अनचैलेंजेबल, सत्य को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इट इज इट्स यूनिवर्सल, इसीलिए उसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा जाता है, और वह ट्रूथ हमेशा स्वीकार किया जाता है। सूरज पूर्व में निकलता है, यह रियलिटी नहीं, यह सत्य है। पश्चिम में डूबता है, यह रियलिटी नहीं, यह सत्य है, क्योंकि यह दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। मैन इज बॉर्न बट टू डाई, आदमी जन्म लिया है मृत्यु को, यह जो है कहा जाता है कि यह हकीकत है। हकीकत का मतलब यह ट्रूथ है, यह सत्य है, यह रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो जो आज आपका है, आज आप देख रहे हैं, ये रियलिटी हो सकती है, लेकिन कल हो सकता है ये रियलिटी ना रहे। जैसे रियलिटी क्या है कि ठीक है, आदमी इस धरती पर आया तो एक समय रहा होगा जब वह आदिमानव रहा होगा, तो उसने क्या किया, उसके सामने एक रियलिटी एआई की आग है, लेकिन अब वो आग एक रियलिटी है, उस आग से उसने तमाम चीजें पकाया, बनाया, कुकिंग किया, तमाम चीजें जो है यू विल कम टू नो, लेकिन वह जो आग से वो कभी नहीं सोचा होगा कि उस आग का एक रूप होगा गैस के रूप में, और उस गैस को जो है उसका अपना जो है क्या कहते हैं कि 1000 रुपी पे करके किचन में आएगा, या उस रियलिटी का एक दूसरा रूप है। तो रियलिटी जो है वो क्या करती है, वो बदलती रहती वक्त के साथ, लेकिन जो सत्य है वह यूनिवर्सल है, उसका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। गॉड सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य है, आदमी का नश्वर होना सत्य है, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, ट्रांसीडेंटलिज्म कहा जाता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके आगे कोई चीज सत्य हो ही नहीं सकती है, वो रियलिटी नहीं है। ये भी फिलॉसफी, ये भी दर्शन उनकी पोयम में मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जितना बातें मैंने बताया, आर यू इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड, आर यू इन पोजिशन टू कवर दिस पॉइंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, सर जी एक्सक्यूज मी सर, या हेलो हेलो सर, सर गेटिंग हमारा जो ओवर एसटी, गेटिंग हाँ सर, हाँ जो एसटी कॉलेज है ना सर, हमारे ये सिलेबस में जीआईसी में एज ए क्रिटिक लगा हुआ है, एज ए पोएट नहीं है, हाँ मैं एज थोड़ा अ पोएट नहीं है, इसमें। हाँ या एग्जैक्टली इसीलिए आपने देखा होगा मैंने इनको एज अ पोएट डिटेल में नहीं बताया है, मैंने केवल एक जब किसी पोएट को पढ़ा रहे हल्का सा मैंने उनकी पोयम का नाम लिख दिया है, मैं किसी पोयम के पे डिटेल में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ कि इसके अंदर ये चीजें हैं एक, लेकिन ये है कि अगर हमें कोई कोई क्रिटिक भी रखा गया है तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कब पैदा हुआ, कब मरा, किस एज से बिलोंग करते हैं, और उनकी क्या पोयम से रही है। अब जैसे अगर फैंसी और इमेजिनेशन जो हम लोगों ने इतना डिटेल में बात किया, यह उनका क्रिटिसिज्म का हिस्सा है, जो हमने इस पर बात किया क्या नाम है उनका 3500 क्रेसी पर, उनका क्रिटिसिज्म का हिस्सा है, और अभी क्रिटिसिज्म में और चीजें आएंगी। अब उनकी पोयम को लेकर के बात हो रही है, या जैसे अभी हम लोगों ने बात किया विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यह उनका क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। वो सारी चीजें जो है वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया कि ये वर्ड उनके द्वारा यूज किया जाए। क्रिटिसिज्म में कुछ और भी उनका है, उसको भी मैं भी बात कर। अब एक वर्क उनका है, इसको मुझे कोई बात नहीं करना, द एंशिएंट मैरिनर है, क्रिस्टेबल है, कुबला खान है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, ओ टू डिजेक्शन है, द नाइट्स है, ड्रामा द नाइट स्टॉर्म उनका एक ड्रामा, रिमोर्स है, और उसके अलावा उनका कुछ प्रोज वर्क है, द वॉचमैन, उन्होंने जर्नल शुरू किया था, ये द वॉचमैन एक उनका जर्नल है जो उन्होंने शुरू किया था, द मॉर्निंग पोस्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, द फ्रेंड में उन्होंने लिखा था, ये सब जर्नल्स हमें पता उनके इससे वो जुड़े थे। बायोग्राफिया लिटरेरिया उनका क्रिटिकल वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस पर जो है थोड़ा सा ठहर करके बात करेंगे कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, Why you have to take about this particular thing? You find that की जो इनका वर्क है 1817 ईस्वी में आता है बायोग्राफिया लिटरेरिया, और 1817 में है उनका एक प्रोज वर्क है लेक्चर्स ऑफ कॉलरिज एंड शेक्सपियर, ये भी उनका वो है, लेकिन मैं बायोग्राफिया लिटरेरिया को लेकर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, चूंकि यह एज अ क्रिटिक हमारे यहाँ है। एक तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो उनका वर्क है, इसमें यू फाइंड 23 चैप्टर, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि देर आर 23 चैप्टर्स बायोग्राफिया लिटरेरिया।
इसमें उन्होंने किसके बारे में डिस्टिंक्शन किया है, फैंसी और इमेजिनेशन। इसी किताब में ही उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बात किया है, अंतर को बताया है। फैंसी के लिए फिक्सिटीज और डेफिनिटीज, और इमेजिनेशन के लिए इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। ये चीजें आप देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ये बात बताई हुई है चैप्टर 13 और 14 में, फैंसी और इमेजिनेशन को लेकर के जो उन्होंने बात किया हुआ है चैप्टर 13 और 14 में, 13 एंड 14 में, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ही टॉक्स अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन इन चैप्टर 13 एंड 14। बैकग्राउंड से तो आवाज जा रही है, उससे उसे तो आप नोट कर ही सकते हैं ये सब चीजें। दूसरा चीज है कि चैप्टर 16 के बाद, आफ्टर चैप्टर 16, ही टॉक्स अबाउट द पोएटिकल थियरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ही टॉक्स अबाउट द पोएटिकल थियरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ही टॉक्स अबाउट द पोएटिकल थियरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ दूसरा चीज जो है, एक जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये भी बताया है इसी में कि इमेजिनेशन दो तरह से होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। TYPE, देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, IMAGINATION। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन वह इमेजिनेशन है जो कि कॉमन आदमियों में पाई जाती है, और सेकेंडरी जो है पोयट्स में। तो प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यू फाइंड हियर, जो उन्होंने इसमें दिया हुआ। तो इससे रिलेटेड ये दो तीन पॉइंट जो मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि मैंने किन किन पॉइंट्स को लेके बात किया हुआ है, कि बायोग्राफिया लिटेरिया 1817 में आई है, यही वो किताब है जो 23 चैप्टर्स में डिवाइड है। कितने चैप्टर? 23 में। इसमें चैप्टर नंबर 13 और 14 में उन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी को लेके बात किया है। इमेजिनेशन के लिए वो कहते हैं कि इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, और फैंसी के लिए कहते हैं कि फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। और चैप्टर 16 के बाद वो वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिकल थियरी है, पोएटिक थियरी, उसको लेकर के वो बात करते हैं चैप्टर 16 के बाद। ये आपके सामने है ही है, ही टॉक्स अबाउट द पोएटिकल थियरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, उन्होंने इसमें बात किया, एक प्राइमरी इमेजिनेशन जो कॉमन आदमी पाई जाती है, और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो पोएट्स में पाई जाती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन किसमें? पोएट्स में। और सेकेंडरी इमेजिनेशन ही चीजों को क्रिएट करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक और चीज जो आपको देखना है कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ, खास करके वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री को लेकर के उन्होंने बात की है, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ पोयम बी द सिली द चाइल्डिश थिंग, कि वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है वह सिली है और चाइल्डिश है। ये चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वर्ड्सवर्थ की पोयम को बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ के जो प्रशंसक है वो वक्त के साथ बढ़ जाए, लेकिन उनमें वो गहराई नहीं है, उस वो चीप पॉपुलरिटी में रहेगी। ये उनका अपना खुद का मानना था। किसका मानना था? कॉलरिज का मानना था कि वर्ड्सवर्थ की पोयम क्या है, सिली है, चाइल्डिश है, वक्त के साथ उसके जो है रीडर बढ़ जाए, उसकी पॉपुलरिटी बढ़ जाए, दैट इज अनदर थिंग, बट वी डोंट फाइंड एनी फिलोसफी इन द पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ।
ये चीज आपको ध्यान, ये कोई लिखवाने वाली चीज नहीं, मतलब वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस उसको नहीं दे रहे थे उस समय जो है। और एक चीज उन्होंने कहा है कि जो मीटर है वो प्रोज और पोइट्री के बीच के अंतर को भी बताते हैं और कहते हैं कि मीटर इज इनिविटेबल इन पोइट्री। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मीटर इज इनिविटेबल, INEVITABLE, इनिविटेबल इन पोइट्री। जो मीटर है या पोइट्री में इनिविटेबल, INEVITABLE, दिस इनिविटेबल, व्हाट डू मीन बाय इनिविटेबल? इनिविटेबल का मतलब है कि कंपलसरी है, अनिवार्य है, इट कांट बी अनअवॉइडेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता है। ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड कि मीटर इज इनिविटेबल, INEVITABLE, मीटर इज इनिविटेबल इन पोइट्री। मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ऑल इज क्लियर सर। ओके। फिर उन्होंने एक और कहा है कि पोइट्री और प्रोज के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ मीटर एंड राइम। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, द डिफरेंस ERE, द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज इज ओनली द डिफरेंस ऑफ राइम। डिफरेंस ऑफ राइम, पोइट्री और प्रोज के बीच का जो डिफरेंस है, वह डिफरेंस किस चीज को लेकर के है? वह डिफरेंस राइम को लेकर के है, डिफरेंस ऑफ राइम। और उन्होंने एक चीज और बताई कि जो पोइट्री है या जो पोयम है, उसका इमीडिएट पर्पस क्या है? द इमीडिएट पर्पस, IMMEDIATE, द इमीडिएट पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू गिव प्लेजर, PLEASURE, टू गिव प्लेजर। द इमीडिएट पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू गिव प्लेजर। जो इमीडिएट पर्पस पोइट्री का है वह क्या है? केवल प्लेजर देना है, उसके अलावा प्लेजर किसको? प्लेजर टू रीडर्स। तो ये बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और उनका जो एक वर्क और है, लेक्चर्स ऑफ कॉलरिज एंड शेक्सपियर, उन्होंने 1808 से 1819 के बीच में वो आया हुआ है या उन्होंने डिलीवर किया था। और बाद में ये लेक्चर 1836 में पब्लिश होता है, और पब्लिशर जो थे पेनी कॉलियर। ये आप किताब में मेरे पेज नंबर 221 में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, उस पर कोई बात करने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो इतना सारा चीजें जो है क्या रहा है कॉलेज को लेकर, कॉलेज का जो भी क्रिटिसिज्म है, अगर आपका कॉलेज का क्रिटिसिज्म तीन चार चीजों को लेकर के अगर आप क्लियर हो जाते हैं, फैंसी, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो तरह से, प्राइमरी और सेकेंडरी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसके अलावा जो है नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मीटर एंड राइम। तो मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज एज अ क्रिटिक आपको बायोग्राफिया, लिटरेरिया, हिज लेक्चर्स और शेक्सपियर, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जो लेक्चर दिया 1808 में दिया है, 1808 से लेकर 1819 के बीच में, और वो लेक्चर 1836 ईस्वी में पब्लिश होता है,
और उन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को सिली और चाइल्डिश कहा है, बहुत उसको उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। फैंसी के लिए फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, इमेजिनेशन के लिए इंतजार डिफ्यूजन एंड डिसिपेट्स, प्राइमरी इमेजिनेशन इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन, सेकेंडरी विद पोएट, दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ये सारी चीजें रही है जो उन्होंने किया या जो उन्होंने किया हुआ है या उससे हम लोगों को समझना चाहिए। तो आई थिंक कि टुडे आई हैव डन इट, कॉलेज का मोस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको कॉलेज एक बार किताब पे जा करके पढ़ना पड़ेगा, खासकर पेज नंबर 221। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैं बाहर रहूंगा लेकिन मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ, और ये जो मैं क्लास आपका लूंगा वो मैं मॉर्निंग में आई थिंक कि मैं उस चीज को